नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है और आप देख रहे हैं नेशनल हाईवे NH33 है। शहर में एंट्री करने का एंट्री पॉइंट है, आप सीधे देख रहे हैं जमशेदपुर में आपका स्वागत है, बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि इस शहर के जो एंट्री पॉइंट है, किस तरीके से ट्रक का यहाँ पार्किंग दोनों रोड साइड पर शोभा खराब कर रहा है। और इससे ज़्यादा सुंदरता से ज़्यादा बड़ा सवाल है सेफ्टी का। आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, ट्रक जो दोनों तरफ ये रोड से सटाकर आप देख रहे होंगे पार्किंग को में तब्दील कर दिया गया है। और इसको लेकर कई बार सवाल उठाया गया, यहाँ स्थानीय प्रशासन DC SSP और राज्य के DGP तक। आपने देखा अभी दो दिन पहले ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस सवाल को उठाकर DGP को भी बताया, अवगत कराया कि दोनों तरफ जब सड़क के किनारे, हालांकि जब ट्रक खड़ी रहती है तो जगह बहुत कम बचता है और नेशनल हाईवे आपको पता ही है कि लोग कई लोग जो हैं ओवरटेक करते हैं या बहुत स्पीड में रहते हैं, उन्हें जगह नहीं मिलता है। और वैसे में ट्रक के पीछे आप देख रहे होंगे कार घुस जाती है, गाड़ियां घुस जाती है। अब जैसे ट्रक यहाँ पर और खड़ी है और आप देख रहे हैं केवल सिर्फ दो गाड़ियों का ही पास होने का जगह है, इसलिए कि अभी 4 लाइन नहीं बन पाया है, यहाँ पर फ्लाईओवर बनना है। तो वैसे में बड़ी गाड़ियां पार्किंग होने की वजह से, जब बड़े बड़े टेलर जब पार्क होते हैं तो उसके वजह से एक्सीडेंट अक्सर होता है। और हमें लगता है कम से कम जो एक घनी आबादी है यहाँ से लेकर आपका काली मंदिर से लेकर और डीमनाथ चौक और उसके आगे बाली गुमा तक, कम से कम इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके से आप देखिए। अब देखिए कि एकदम रोड के किनारे 1 फीट भी नहीं छोड़ा गया है और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी है। और इसमें कोई बाइक हो या कार वाला जब ओवरटेक करता है या पीछे से ऐसी बड़ी गाड़ियां आ जाती है तो उससे नीचे रोड, सड़क से नीचे उतरने की जगह नहीं बचता है, जिसके कारण वो ट्रक जो है या ट्रक के अंदर ही घुस जाता है। तो हमें लगता है कि काफ़ी सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है। और ट्रैफिक DSP और जो हमारे DTO हैं परिवहन विभाग, उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए कि आप जब शहर के अंदर नो पार्किंग के लिए बाइक वाले कार वाले से आप 1,000 रुपया वसूलते हैं, लेकिन यहाँ जब ये शहर के अंदर इस तरीके का जहाँ पर लोगों की जान की बन पाती है, आप दोनों तरफ आप देखिए, आपको हम दिखाते हैं, हालांकि अभी कम गाड़ी खड़ी है लेकिन शाम होते होते आप देखेंगे इतनी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है कि आपके लिए यहाँ मुश्किल हो जाता है हाईवे में आना, दिक्कत हो जाती है। तो हमें लगता है इनमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। और केवल एक दिन आप फाइन काट देते हैं, अगले घंटे ही आपके घंटे बाद आपके पास फिर वही स्थिति बन जाती है। तो हमें लगता है कि रेगुलर यहाँ पर कम से कम आपको यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की जरूरत है। आप जैसे आप वहाँ पर देखिए आगे आप जाएंगे कई जगह पर, इस नेशनल हाईवे पर भी आपको पुलिस जो है हेलमेट चेक करते हुए मिल जाएगी, ट्रैफिक ये लगाते हुए मिल जाएगी। लेकिन जो सब आप देखिए कितना बड़ा क्रेन खड़ा हुआ है और ये केवल अगर 10 मिनट और 5 मिनट 1 घंटे के लिए कि चलो कोई होटल पर खड़ा है, खाना खाने के लिए खड़ा है फिर आगे निकल जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये एक एक दो दो दिन कुछ कुछ तो यहाँ पर इन्होंने परमानेंट ही पार्किंग बना लिया है। इसलिए कई लोकल गाड़ियाँ हैं और कई लोकल गाड़ियाँ हैं जो काम करते हैं और इसके बाद उन्होंने परमानेंट, उनके पास गाड़ी खड़े करने की जगह नहीं है तो उन्होंने इसी तरीके से आप देखिए वो बना लिए है। ऐसा नहीं कि कोई बाहर की गाड़ियां हैं और वो खाना खाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं या चाय पीने के लिए रुके हुए, नहीं, इन्होंने परमानेंट इस सड़क को ही अपना पार्किंग बना लिया है और प्राइवेट पार्किंग बना लिया। आप देखते जाइए क्या स्थिति है। पिछले आप देखते होंगे कोई ऐसा सप्ताह नहीं बीतता होगा जहां पर एक्सीडेंट इस तरीके का नहीं होता होगा। और इसमें सबसे बड़ा कारण है केवल इनिस्ट के साथ साथ हम शहर के अंदर भी जो गाड़ियां खड़ी है, खासकर आप देखिए साक्षी से बर्मा माई साहब जाइए, देखिए किस तरीके का रोड को एकदम चौड़ा जो रोड है 40 फीट का उसको 20 फीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो हमें लगता है इस पर, इसलिए कि लोगों का जान का खतरा बना हुआ है, इसमें जान ज़्यादा चला जाता है, ट्रैफिक जाम होता है, तो हमें लगता है इस पर अभियान चलाने की ज़रूरत है और स्ट्रिक्ट जो है एक्शन होना चाहिए। सोशल संवाद इस तरह का अभियान चलाते रहा है, आगे भी हम चलाते रहेंगे, इस तरह के मुद्दे उठाते रहेंगे। केवल आप ट्रैफिक के नाम पर सिर्फ आप हेलमेट चेक करेंगे, आप सीट बेल्ट चेक करेंगे और इन बड़ी गाड़ियों के खिलाफ जहां पर लोगों की सेफ्टी से जुड़ा हुआ है, अगर इस पर एक्शन नहीं होगा तो ये सवाल पूछते रहेंगे। आपको भी इस पर कमेंट करके आप बताइए क्या ये सवाल ज़रूरी है या नहीं है, क्या शहर के जो ये 2 या 3 किलोमीटर के रेडिएशन है जहाँ घनी आबादी है, ट्रक इतने बड़े बड़े अगर रोड किनारे सटकर खड़े रहेंगे तो क्या
ये गलत बात नहीं है, इस पर सवाल आप जरूर अपनी राय दीजिएगा। धन्यवाद।